हलो एवरी वण वेलकम टू जेएस एजुकेशन अब इन क्लास या कई क्लास डिस्कस बाकी आटो अल स्किपे मुन काो नेक्स्ट क्वेश्चन आप का बंडी उपन्यास पहली बार किस पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ आंसर ऑप्शन बी धर्मयोग नेक्स्ट संख्या शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसके प्रयोग होता है आंसर ऑप्शन ए सर्वनाम नेक्स्ट में निर्भरी दुख की बदली इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा नेक्स्ट बिहारी सत्सई की भाषा कौन सी है आंसर ऑप्शन डी ब्रजभाषा नेक्स्ट ब्रजभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है आंसर ऑप्शन डी शौरसेनी नेक्स्ट अवधि से संबंधित बोली है आंसर ऑप्शन ए बैसवाड़ी नेक्स्ट यह बिल्ली चूहे की तलाश में है इस वाक्य में यह शब्द किसका उदाहरण है ऑप्शन बी नामिक सर्वनामिक विशेषण आंसर महाप्राण व्यंजन चुनकर लिखे गा गा घा घा ऑप्शन सी घा नेक्स्ट आगे की एक कविता का नाम ही उनके एक उपन्यास का भी है कौन सा है आंसर ऑप्शन सी नदी के द्वीप तुलसीदास के दार्शनिक मत के भक्त कवि थे आंसर ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद सूरदास के दृष्टिकोण पद किस ग्रंथ में है ऑप्शन ए साहित्य लहरी आंसर नेक्स्ट प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे ऑप्शन डी आगे दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है ऑप्शन बी टीक न्याय करना आंसर कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं ऑप्शन डी कृदंत आंसर इनमें नागार्जुन की प्रगतिवादी रचना कौन सी है आंसर ऑप्शन बी कालिदास नेक्स्ट इनमें एकवचन शब्द कौन सा है आंसर ऑप्शन सी प्रण एक आदमी जंगल में कविता किस काल की रचना है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आंसर ऑप्शन डी आंग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है आंसर ऑप्शन सी आंसु प्रेम सभी को एक सूत्र में बांधता है प्रेम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है आंसर ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा किस बोली में नए परिसर्ग लगाया जाता है आंसर ऑप्शन सी गड़ी बोली प्रेमचंद की पुस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी आंसर ऑप्शन सी यथार्थवादी नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस बोली को रियर्सन ने देशी हिंदुस्तानी कहा है ऑप्शन आंसर ऑप्शन ए गड़ी बोली सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है आंसर ऑप्शन बी पुष्टि मार्ग पृथ्वीराज रासों की हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा
आंसर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। बहुविकल्प के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण है? आंसर ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निकटतम विकास क्षेत्र का वक्ता कौन है? आंसर ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, प्रक्रिया को प्रमुखता देकर प्रदर्शन और सुधार का मूल्यांकन क्या है? आंसर ऑप्शन बी आकलन। नेक्स्ट, ऑस्टन वार्नर का श्रेय किससे जुड़ा हुआ है? आंसर ऑप्शन डी जैविक वाजन। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य काव्य के लिए उदाहरण है? आंसर ऑप्शन सी नाटक। कहानी के प्रतिपाद्यक क्षेत्र या पाठक तक लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करते करने की रीति क्या है? आंसर ऑप्शन सी कथानक की प्रस्तुति। नेक्स्ट, कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? आंसर ऑप्शन ए शब्द भंडार की वृद्धि करना। नेक्स्ट, कविता का मुख्य भाव आशय और उद्देश्य पर आलोचना करना किस शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? आंसर ऑप्शन बी विश्लेषण। नेक्स्ट, शैक्षणिक साधन के लिए उदाहरण चुनिए। आंसर ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट, अर्धग्रहण की जांच के लिए कौन सा कार्य उचित है? आंसर ऑप्शन सी प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, रसात्मकता बढ़ाने में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? आंसर ऑप्शन डी कविता शिक्षण। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक का सूक्ष्म वाचन किस प्रकार का है? आंसर ऑप्शन डी गहन वाचन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर ऑप्शन ए सामान्य छात्र और विशेष मदद चाहने वाले छात्रों को एक साथ शिक्षा देना। नेक्स्ट, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक उचित कार्य चुनिए। आंसर ऑप्शन ए प्रोक्तिपरक अध्ययन करना। नेक्स्ट, अन्य भाषा के उच्चारण की त्रुटियों का प्रमुख कारण क्या है? आंसर ऑप्शन सी मातृभाषा का प्रभाव। नेक्स्ट, वर्तनी रूप और संरचनापरक त्रुटि निवारण को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन बी संशोधन। नेक्स्ट, हिंदी वर्तनी संबंधी त्रुटियों के निवारण में अधिक सहायक है? आंसर ऑप्शन बी वर्तनीपरक संशोधन। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द छात्र सुनकर लिखने को क्या कहते? आंसर ऑप्शन डी श्रुतलेख। नेक्स्ट, श्रवण कौशल बढ़ाने का उपाय चुनिए। आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षक सहायक हस्त देते हैं, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? आंसर ऑप्शन सी ज्ञान निर्मितिवाद। नेक्स्ट, पठित कार्य का नूतन प्रसंग में प्रयोग करना किस उद्देश्य को सूचित करता है? आंसर ए अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, वाक्य घटने को अधिक महत्व देना किस विधि है? आंसर ऑप्शन बी संरचनात्मक विधि। नेक्स्ट, व्यावहारिक प्रोक्ति के लिए उदाहरण चुनिए। आंसर ऑप्शन बी वार्तालाप। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिगम के लिए अनुकूल कक्षाई वातावरण की विशेषता क्या है? आंसर ऑप्शन बी सक्रिय छात्र और गतिविधियां। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के बाद कौन सा सोपान उचित है? आंसर ऑप्शन ए अनुकरण वाचन। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण किससे प्रभावशाली बनता है? आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। गार्डनर के
किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 8 भेद बताए गए? आंसर ऑप्शन ए बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट, नोम चोम्स्की का श्रेय किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सर्वभाषा व्याकरण। नेक्स्ट, भाषाई कौशलों से संबंधित विकल्प चुनिए। आंसर ऑप्शन सी हिंदी सुनना बोलना पढ़ना एवं लिखना। अब ई वीडियो निष्टि लाइक शेयर कमेंट कूड़ा सब्सक्राइब तोटा बेल बटन प्रसाद या वीडियो अब नोटिफिकेशन लू। अब थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।